डिवाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि डिवाइन इंस्टीट्यूट जगतपुर अब यूट्यूब में भी अपनी क्लासेस चलाने लगी है, तो इस तरह से हमको पहली क्लास मिली है और पहला टॉपिक मैथ में मिला है प्रतिशत। तो प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत क्या होता है? मैथ का एक टॉपिक है, अर्थमेटिक का सबसे पहला चैप्टर होता है प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और सत मिलके बनता है प्रतिशत। सत का मतलब होता है सौ या शतक और प्रति का मतलब होता है सौ पर कितना। ठीक है, अगर जैसे आपके सामने देखो लिखा हुआ है 20%, तो 20% लिखा है। इसकी दो तरह की कंडीशन है, ये प्रतिशत में लिखा है, अगर इसको आपको फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंज करना है तो इसका ये मतलब है कि आप किसी भी संख्या में से अगर परसेंटेज का निशान को हटाना चाहते हैं तो सौ से भाग करिए, अगर एड परसेंटेज का निशान लगाना चाहते हैं तो सौ से गुणा करिए। अगर इसको आगे सरल कर दोगे तो एक बटे कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी 1/5। एक क्वेश्चन है उसी तरीके का, इसको बता रहे हैं, इसको दो तरीके से बताएंगे, पहला डिटेल में मेथड बता रहे हैं, दूसरा इसका एक छोटा सा कोई तरीका बताएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर पाए। पहला क्वेश्चन है, देखो इसे पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अगर इसको आप एक्स मान के लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मानिए संख्या बराबर में एक्स, इसका मतलब मूल संख्या क्या है, एक्स। बताया गया किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर, ये तो हो गई आपकी संख्या एक्स, और दोबारा बताया गया है कि उसी संख्या का 40%, तो इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 40/100। इसमें जोड़ने पर संख्या ये x है, उसी संख्या का 40% निकाल के जब जोड़ देते हैं तो हमको उसके सामने क्या प्राप्त होता है, 4963। तो 4963, इसमें से हमको अब x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब मूल संख्या क्या रही होगी, वो पता चल जाएगा। इसको अगर आप सरल करेंगे तो 0 के इक्वल है, 0 को कैंसिल कर दे, 2 से काट दे, 2 की टेबल 2 बार में यहां कटेगी, 2 की टेबल 5 बार में यहां कटेगी। अब देखो ये 2 गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x और ये नीचे हो जाएगा 5, तो आपके सामने बनेगा x + 2x / 5 और बराबर में 4963। अब इसको ऐड करोगे तो 5 की टेबल 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 5x और 2x, दोनों मिलके बनेंगे कितने, 7x/5 और बराबर में 4963। अब इसे 7 से काट दीजिए, 7 से काटोगे तो 7 × 4 और 0 लगा के 7 × 63, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका x की वैल्यू निकल आएगी, 5 से गुणा करो, 5 गुणा कितना 45 और 0 है तो कैरी आएगी नहीं, सीधा यहाँ पे 4 लिख दिया है और 5 करते कितना 35, तो इसका आंसर कितना आएगा 3545। x की वैल्यू 3545, इसका मतलब है कि मूल संख्या क्या थी 3545। इसका मतलब है कि 3545 में किसी का 40% निकाल के ऐड किया गया होगा तो कितना आया है 4963। ये तो था x मान के, अगर आप डिटेल में लगाओगे तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको फैक्शन वाले तरीके से लगाते हो जिसको हमने पहले भी बताया है कि फैक्शन को ऐसे बदला जाएगा, तो इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका अगर आप समझना चाहें तो दूसरा तरीका देखिए इसका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, किसी संख्या में उसके 40% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 40% की वैल्यू को फैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे क्या कि लिखोगे 40 और परसेंटेज का निशान हटाना तो सौ से भाग करोगे, ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल से जाएगा तो आएगा कितना 2/5। इसका ये मतलब है कि 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू 2/5 है और ये जो नीचे होता है ये वाला है मूल नंबर, ये वाली आपकी मूल संख्या है। अब देखिए 40% क्या करने को बोला है, जोड़ने को, तो आप करेंगे क्या कि इस वाले 5 में यही वाला 2 ऐड कर लेंगे, तो 5 मूल संख्या और इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,
इसका मतलब यह है कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4963। 4963 ये क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या में 40% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है। तो ये 4963 हमने यहाँ पे लिख लिया। साथ में यहाँ पे करेंगे क्या कि 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि मूल संख्या कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 4963 और इसको डिवाइड करना होगा 7 से और मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। 7 से इसको कैंसिल करोगे, अभी हम लोगों ने कैंसिल किया था तो कितना आएगा, 709। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3545। इस क्वेश्चन को अगर एक मान के नहीं लगाना चाहते हो तो देखिए दोनों में अंतर सेम है, 3545। अगर आपको ये जानना हो कि 5 में ये वाला तो हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि 40% जोड़ना है। अगर 40% घटाने को बोला होता तो हम लोग इस 5 से ये वाला तो घटा रहे होते और इस जगह पे 7 की बजाय 3 लिख रहे होते, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3545। इस तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरीके से लगेगा जैसा भी बताया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है, बस हमने डिजिट चेंज किया है। यहाँ पे 40% की जगह पे किया है 9/1/11% और यहाँ पे 7224। अब देखो इसको दूसरे वाले तरीके से सीधा लगाएंगे, पहला वाला तरीका इसमें नहीं बताएंगे। देखिए लिखा हुआ किसी संख्या में उसके 9/1/11% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7224 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो हम लोगों ने भी बताया था कि अगर 9/1/11% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में कितना 99 और एक ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, 100/11। अभी ये 100/11% तेज में रहेगा, परसेंटेज का निशान हटाना, तो नीचे 100 से भाग करोगे तो 2 जीरो और लगा लो, तो ये 00 से ये वाले 00 कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9/1/11% की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर कितना बनेगी, 1/11। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9/1/11% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7224 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो हम लोग इस 11 में इस वाले 1 को जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 यूनिट की वैल्यू 7224 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7224। मूल संख्या जाननी है तो अभी हमने बताया था कि जो हर में होता है वो मूल नंबर होता है, यानी जो नीचे है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 7224 और 11 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7224 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 11। 12 से काट दो कितना होगा, 72 और 12 × 24, बीच में 0 इसलिए लगाया क्योंकि 2 जो है 12 से छोटा है। अब इसको गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा 11 का टेबल 2 बार में 11 और 6 बार में, तो इसका आंसर आएगा 6611। हम लोगों ने इसको एक मान के नहीं लगाया, फ्रैक्शन वैल्यू से लगाया। यहाँ पे 9/1/11% की वैल्यू बनाई गई है 1/11, बढ़ाने को कहा गया है तो जोड़िएगा, जैसे हमने 11 में ऐड किया है क्योंकि लिखा है कि 9/1/11% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7224 है। अगर 9/1/11% घटाने को बोला होता तो हम लोग 11 से ये वाला घटा के 10 यूनिट की वैल्यू लिख रहे होते, तो फिर 11 यूनिट की वैल्यू निकाल देते तो आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो इसी तरह में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए जरा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, यदि P का 30% बराबर Q का 40% है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। इसको ऐसे लगाएंगे, देखिए P का कितना परसेंट, 30%, तो P लिखा है, P का 30% निकाला है तो 30/100। P का 30% बराबर है Q के 40% के, तो Q का 40% निकालेंगे, इक्वल का निशान है तो ये वाला 100 ये वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये वाले 0 को कैंसिल कर दो, इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 3P और इधर हो जाएगा 4Q,
पी की वैल्यू आएगी कितनी? 4, और क्यू की वैल्यू आएगी कितनी? 3। इसका मतलब है कि पी की वैल्यू यहाँ पे है और क्यू की वैल्यू यहाँ पे। इसके आगे देखो लिखा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? ये क्यू 3 है और पी कितना है? 4 है, तो क्यू पी से कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पे कमी बताना है कितने परसेंट कम है, तो कमी बता देते हैं कितना कम है, तो ये एक संख्या में कम है, तो आपको प्रतिशत में कमी बतानी है। तो 4 से 3 हुआ है तो कितना कम है? 1 कम है, और कितने कम है? 4 से 1 कम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। और परसेंटेज में बताना है तो हमने पहले भी बताया किसी भी संख्या में परसेंटेज लगाने के लिए 400 से गुणा करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितने परसेंट कम है? 25% कम है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 25%। एक बार पूरा फिर से जल्दी से समझ लो, यदि P का 30% बराबर Q का 40% है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो हमने लिखा P, P का 30% निकाला तो है 30/100 बराबर में Q का 40% है। 100 से ये वाला 100 कैंसिल किया था, 0 से ये वाला 0 कैंसिल किया था, 3 का मल्टीप्लाई P में किया तो आया 3P, और 4 का मल्टीप्लाई Q में किया तो कितना आया? 4Q। P की वैल्यू हो गई 4 और Q की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ पे देखो लिखा तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू 3 है और पी 4 है, तो 4 से ये कितना कम है? क्यू 1 कम है। कमी परसेंटेज में बतानी है तो कितना कम है और कितने कम है? 1 कम है 3, 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 4 ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज में कमी बतानी है। अगर नंबर में बताना है तो 1 ही कम है, परसेंटेज में बताना है तो जितना कम हुआ और कितने कम हुआ, तो 1/4 में लिखा 4 मल्टीप्लाई किया 100 से, 4 के टेबल 25 बार पढ़ोगे तो 25% आएगा, तो कितनी कमी होगी? 25% क्या होगा? 25% की कमी होगी। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे जो कल बनाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।